हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, के छो कैसे बा और के नाचो कैसे आप लोग। तो आज है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, ठीक है। और मैं बनाने वाली हूँ कुछ खाने के लिए। तो आज मैं फर्स्ट टाइम ठंड में बना रही हूँ मटर पुलाव। मेरा मटर पुलाव खाने का मन कर रहा था। इतनी ठंड हो रही है कि कोई हिसाब नहीं उस ठंड का। मैंने जिस दिन से कहा है ना यहाँ ठंड नहीं पड़ रही, कि अदरक राजा ने रखी और इस अदरक से चाय फट भी चुकी है ना। तो जब मैंने जिस दिन से ना बोला है कि यहाँ पे ठंड नहीं पड़ रही, उसके अगले दिन से तो पता नहीं ठंड को गुस्सा आ गया मुझ पर और ठंड जो है ना वो पड़ने लगी। तो ना हम लोग के पास हीटर है, तो जब हमने ये वाला रूम बनवाया था तो इसमें ना वो बड़ा वाला प्लग नहीं लगवाया जो फ्रिज वगैरह में लगता है ना, उस प्लग को कुछ डिफरेंट नाम तो नहीं उस प्लग का। हाँ, तो वाला प्लग नहीं लगवाया हम लोगों ने। अब वो प्लग है नहीं वहाँ पे, हम लोग हीटर नहीं चला सकते बेडरूम में, वो बड़ा प्लग लगता है। तो हीटर होने के बाद हीटर नहीं चल रहा है। तो मैंने ये गर्म पानी का एक बैग लेके जा रही हूँ। मैंने जूते ही पहने, मैंने टोपो ही पहना है, मैंने आज फिर भी बहुत कवर करके रखा है खुद को। तो मैं ये गर्म करके लेके जा रही हूँ। मेरे राजा जो है ना उनके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते, बेचारे बहुत तड़प रहे थे कल तो, वो ज़्यादा ही तड़प रहे थे ठंड में, बोलते रहे मेरे पैर नहीं गर्म हो रहे, कल हम लोग के पैर ही गर्म नहीं हो रहे थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा बुरा क्या होता है, आप ऐसे बैठ के टीवी देखते रहते हो, यहाँ आपको सोना है, जो सोने हो तो बेड ऐसा लगता है किसी ने फ्रिज से जमा दिया। तो मैंने बोला आई मैं दो तीन बार वाटर पैक गर्म करूंगी और जहाँ हम सोते हैं ना वहाँ पे भी रख लेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कि जब लेट ना होगा तो वो हिस्सा गर्म मिलेगा। तो पता नहीं यार, बहुत दिन से ठंड झेली नहीं है, थोड़ी बुराई क्या कर दी, ठंड को बुराई लग गया। तो अभी चाय जो है वो बन रही है, राजा चाय बना रहे थे, उन्हें चाय फट गई, उन्हें अदरक जो थी वो उबाली नहीं। बाबू आ जाओ यहाँ पे, ओले मिला बत्ती आ जाओ। बोझो है, बोझो खेल रहा है अभी, गूगल को खाना खिलाया, गूगल को इतनी ठंड लग रही थी, ठंड हो रही बेचारे ये लोग कंबल में बंद बंद के बैठे हुए। अभी बोझो अभी उठा है, मतलब वो कल रात को सोया था, फिर सुबह खाना खाया, फिर वो सो ही रहा था। सबसे फेवरेट काम है इस टाइम पे आपके पास पेट्स होंगे तो उन्हें सोना बहुत पसंद होगा। मटर भी छिल गई है, मैं प्याज व्याज काट के लाती हूँ। थोड़ा ना रूम में बैठे हुए थे, बहुत ठंड हो रही है। देखो नहीं फटी चाय, ओ मेरे सोना सोना कुछ मत बोलना, ओ मेरे सोना सोना। ये डाल दिया मैंने चाय, और अब मैं पानी ये मैं ले जाऊं बड़ी प्लेट में। हाँ, और अब मैं पानी लेके जा रही हूँ, मैं बाबू सोना सोना मत बोलना। बहुत डेंजरस काम होता है, मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे डालते हैं। वैसे गीजर से भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, पर मुझे ना गीजर का पानी इतना गर्म नहीं लगता है इसके लिए, जैसे एकदम गर्म पानी चाहिए ना वैसा वाला नहीं लगता। डायरेक्ट नल से भी डाल सकते हैं, पर ऐसे आराम है। तो चलिए ये जो है ये हो गया, मैं लेके जा रही हूँ इसे। सुबह से अभी ना शाम होने वाली है, 4 बज रहे हैं और सुबह से काम लगा हुआ है, और फाइनली बाथरूम का काम कंप्लीट हो गया। अब बाहर की सफाई है जो करनी है, और मैं मशीन लगा पाऊँगी जैसे सफाई होगी, पर अभी इतनी सफाई करनी है वहाँ पे कि सामान उठाना है। तो हम लोग सोच रहे हैं किसी को लगवा देते हैं एक दिन के लिए, तो वो सफाई करा देगा। और वॉशरूम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, इसलिए मेरे को लगा व्लॉग नहीं हो रहा था मेरे से। और देखिए मेरी आंखें सूजी हुई हैं आज,
ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो अभी भी फैला हुआ है, ये पूरा ये अभी भी फैला हुआ है, ये टेबल पूरी क्लीन करनी पड़ेगी, पूरे नल्स निकले हैं। आप देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी है अभी, ये यूज़ करने लायक नहीं है और मैं कर नहीं पाऊँगी और राजा कैसे करेंगे। ऊपर से वॉश बेसिन भी क्लीन करना है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ ना कुंडी लगी, देखिए पूरी सफाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सफाई मांग रहा है अभी। तो ये ऊपर, अरे नहीं तो ये बंद ही नहीं की ऊपर खिड़की, तो आई थिंक धूप लगने के लिए करिए। तो ये देखिए हो गया है, मैं थोड़ा सा ना बंद करके दिखाऊंगी ताकि लाइट आएगी। तो ना ये एक मिनट, ये अरे यार लाइट भी नहीं चल रही यहाँ की। हाँ तो ये जो है ना ये हो गया है पूरा कम्प्लीट, एक बार ढंग से दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं वॉशरूम में जा नहीं पाऊंगी। तो यहाँ शार लगवा दिया, ये नल्स चेंज करा दिए हमने, जल रही है यहाँ पे। अगर गीजर प्लग वगैरह के लिए पॉइंट वगैरह नहीं निकल पाया है तो वो एक पता नहीं क्यों, ये वायर क्यों निकली पड़ी है पीछे, आई थिंक यही होगी गीजर के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया है यार, बहुत अजीब लग रहा है दिखाने में। तो ना वाइट सीमेंट लगी हुई है यहाँ पे, तो अभी ना इसे कम से कम 3-4 दिन तक इसमें पानी नहीं चलना चाहिए, तो इसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अब सबसे मेन टास्क है ये, हमारी बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं, सीमेंट पूरी वेस्ट हो गई क्योंकि वो 2 वॉशरूम के लिए थी, वाइट सीमेंट वेस्ट हो गई, टाइल्स रखी हुई हैं यहाँ पे उस वॉशरूम की जो कि चेंज करनी है यहाँ पे। पता नहीं यार इतनी टाइल्स है नहीं जितनी होनी चाहिए, टाइल्स गई कहाँ, इतनी टाइल्स तो है ही नहीं जो चेंज करने वाली थी। हाँ तो 2 डब्बे कहाँ हैं, पता नहीं कहाँ है टाइल्स। तो ये 20 डब्बे चेंज होंगे, इसकी जगह पे अगर पैसे तो रिटर्न नहीं होंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि एक वॉश बेसिन जो है वहाँ का या अंदर का एक वॉश बेसिन जो है वो चेंज करा देते हैं। अब राजा जो है वो जा रहे हैं, राजा जा रहे हो, ये जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि यार सुबह से ही ना एक ही लड़का, आज एक लड़के की छुट्टी होती है, एक लड़का सैटरडे छुट्टी लेता है, एक संडे छुट्टी लेता है, राजा भी संडे छुट्टी लेते हैं। तो अभी वो जो बैठा है ना वो नया नया है, उसे इतना सब कुछ आता नहीं है, तो वो अभी सीख रहा है, तो इसलिए अभी जा रहे हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ बैठे बैठे। राजा ऑफिस चले गए हैं, काम जो है मैंने आपको दिखा दिया, वो लोग भी चले गए हैं। अब फाइनली थोड़ा घर में शांति है, मुझे लगा कि अब मैं आपको जो चीज़ें हैं वो दिखा देती हूँ। तो मैंने कुछ सूट्स मंगवाए थे, इस वाले सूट की तो बहुत इंक्वायरी आई थी जब मैंने ये सूट पहना था, और अराउंड आई थिंक 8-10 दिन पहले मैंने ये सूट पहना था। इस सूट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने लिंक भी मांगी थी। तो मैंने ना अभी कुछ रीसेंट सूट मंगवाए हैं, मतलब कुछ नए एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन लेटेस्ट सूट मंगवाए हैं। और ये सूट हैं, सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे रही हूँ, ये ओवरसाइज्ड हैं क्योंकि मेरे लिए मैंने थोड़े ओवरसाइज्ड मंगवाए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से ओवरसाइज्ड कपड़ों की। अभी भी मुझे कुछ कपड़े जो है मेरे टाइट हो गए हैं, जैसे ये मैंने पहना हुआ है ये लूज़ है यहाँ से, फिर भी अभी बटन वाला सिस्टम है तो थोड़ा जल्दी ये लूज़ हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी ये टाइट हो जाएंगे। तो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट मैं अभी से कर रही हूँ, कुछ मैक्सी ड्रेसेस जो है वो मैं खरीदूंगी, जब वो खरीदूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। कम से कम अभी आने वाले 3 महीने तक ये सब पहन सकती हूँ, क्योंकि राजा के कपड़े मैं पहन रही हूँ पर इतने तो नहीं पहन सकती मैं, इसीलिए ये वाले कपड़े मैंने ऑर्डर किए हैं। मैक्सिमम लूज हैं ये, मेरे साइज से डबल साइज में है, जो साइज मैं पहनती हूँ उससे डबल साइज में एक्स्ट्रा है, और बाद में मैंने फिटिंग का करा लूंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये ज्वेलरी मैंने और मंगवाई थी, ज्वेलरी जो है ना मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाई थी, और ये वाली जो है ये इयररिंग्स मैंने कुछ मंगवाए हैं, ये ना छोटे छोटे से इयररिंग है और ये ना डेली यूज के लिए अच्छे रहते हैं। ये ना छोटे छोटे से इयररिंग है, ये स्टोन, ये तो इसमें लटकने वाले जो है ना वो अच्छे लगते हैं मुझे, वो ये मंगवाए हैं। और मैंने एक और चीज़ मंगवाई है, मैंने आप लोगों को बोला था मुझे चोकर बहुत पसंद है, तो मैंने बहुत सारे ट्रेडिशनल चोकर आपको दिखाए थे, ये सारे जो है ना ये बहुत अच्छे रेट में मिल रहे थे, तो ये बहुत सारे हैं। तो मैंने अपने लिए वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जीन्स टॉप या अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो शॉर्ट ड्रेसेस, उन सभी पता है बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ये ब्लैक में ही है सारे, पर जो पैटर्न है ना वो अलग अलग है, ये देखिए ठीक है, ये वाला बहुत ही प्यारा है, ये वाला ये मोटा चोकर है,
उसके बाद ये जो है ये फ्लावर पैटर्न में है, ये वाला एक लॉकेट के साथ है, ये चोकर, ये डबल चोकर, मतलब आपके पास डबल चेन आएगी। उसके बाद ये भी डबल वाला है, पतला ब्लैक धागा है और फिर ये चोकर है, तो ब्लैक धागे पे ये ट्रायंगल है, तो ये भी बहुत प्यारा आएगा। और ये तीन बेल्ट वाला है क्योंकि मुझे चोकर पसंद है, अभी इन फैशन भी नहीं है फिर भी मुझे पसंद है कि कभी तो आएंगे, पर आपको जो पहनना है आपको वही पहनना चाहिए। उसके बाद ये चेन वाला एक चोकर, इसमें जो ब्लैक वाला है ना ये आपके पूरे ये चोकर की तरह हो जाएगा और ये एक लटकती हुई चेन होगी, मतलब ये डबल वाला। ऐसे मेरे पास एक ब्राउन वाला भी है, आई थिंक आपने मुझे इसे पहने देखा होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ सूट, तो कुछ सूट मैंने व्लॉग्स में पहने हैं, तो आप लिंक मांगते हैं तो लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप साइज अपने हिसाब से मंगवा लीजिएगा। मे बी अभी आपको मैं पहन के दिखाऊं तो ये बहुत अच्छे फिटेड ना लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने लिए दो साइज एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, मतलब अपने साइज से दो साइज एक्स्ट्रा, तो ये सारे स्टिच्ड आए हैं, आप इसमें ऑल्टरेशन करा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने एक ये मंगवाया है, ये पता बहुत प्यारा लग रहा था, और ये देखिए काफी ओपन है, स्पेशली आपके जो बेली एरिया से काफी ओपन है, तो बेली एरिया से मुझे बहुत ओपन कपड़े चाहिए थे ताकि मैं अगर बाहर भी जा रही हूँ ना तो मैं कुछ पहन के जा पाऊँ। तो एक मैंने ना ये मंगवाया है जो साइज है एक्सेल है, और इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत अच्छा है, कपड़ा भी बहुत लाइट है, क्योंकि समर में आपको कुछ हल्का पहनना होता है तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। उसके साथ उसके बाद इसके साथ ये प्लाजो आया है, तो ये पीछे से इलास्टिक है और सामने से ये ऐसा है, तो काफी इजीली एडजस्ट हो जाता है। इसकी जो चुन्नी है वो आपको इस कलर की मिलेगी, तो ये दुपट्टा है और काफी प्यारा लग रहा है, तो आपको स्क्रीन में जो कपड़े हैं वो भी दिख रहे होंगे आफ्टर पहनने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा साइज मेरा बड़ा है इसलिए थोड़ा बहुत आपको इधर उधर कपड़े लग सकते हैं। उसके बाद मैंने ये मंगवाया था, ये मैंने एक ब्लॉग में कैरी किया था, बहुत प्यारा है, अगर ये फिटिंग का हो जाए तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा, पर मेरा फिटिंग का नहीं है अभी कोई भी कपड़ा। तो ये जो सूट है उसकी ये फोटो है कि कैसा लगता है पहनने के बाद, तो उसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये पटियाला सूट है, तो क्या हुआ है क्योंकि थोड़ा ओवर साइज है मेरे लिए, तो उसकी जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इन फ्यूचर जो लेंथ है वो मैं थोड़ी सी कम करा दूंगी। और जो पटियाला है, पटियाला आपका बहुत अच्छा तब दिखता है जब उसकी लेंथ आपकी नी से थोड़ी सी ऊपर रहती है, क्योंकि पटियाला का फिर जो घेरा है आपकी सलवार का वो समझ में नहीं आता। अब ये थोड़ा सा ओवरसाइज है इसलिए पटियाला का जो लुक था वो प्रॉपरली आ नहीं रहा था। सबसे अच्छी तो मुझे इसकी सलवार लगी, ये कॉटन में है और गर्मियों के लिए, क्योंकि अब एक दो महीने बाद से, क्योंकि अब एक डेढ़ महीने बाद से आप गर्मियों की प्लानिंग करेंगे और मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए सलवार, इसका घेरा जो है वो बहुत अच्छा, प्रिंट भी बहुत अच्छा है, इसमें फ्लावर प्रिंट है, क्रीम कलर की सलवार है और यहाँ पे जो फ्लावर है और जो बाकी प्रिंट है वो है, तो प्रिंट भी बहुत अच्छा है। ये जो स्टिचिंग क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी आई है, मतलब अमेजोन में जो मेरे को स्टिचिंग क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी मिली है। उसके बाद फिर ये है दुपट्टा, तो दुपट्टा जो है वो सूट और सलवार का मिक्स है, तो सूट में ना आपको जो सूट है आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, जो ऊपर का कुर्ता है, और सलवार का जो प्रिंट है वो आपको सेंटर ऑफ द चुन्नी मिलेगा। आते हैं हम कुर्ते पे, जो फोटो में है एग्जैक्टली वैसा ही आया है, ये कलर बहुत प्यारा है, तो इसे फिटिंग का कराऊंगी तो ये बहुत प्यारा और लगने लगेगा। तो अभी देखिए काफी बड़ा है ये, तो ना ये देखिए इसमें तीन बटन का पैटर्न है और साइज एक्सेल है, और ये है इसकी बाजू और ये है पूरा सूट। तो पहनने के बाद ये सूट है ये आपको हाफ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट सूट की तरफ, ये वाला पैटर्न मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कैरी करूंगी, तो ये है स्कर्ट वाला सूट। तो ये देखिए आपको ये स्कर्ट मिल जाती है। अब इस स्कर्ट का एक फायदा ये भी है कि इन केस अगर आपको सिर्फ स्कर्ट और टॉप पहनना है तो भी आप घर में पहन के आराम से घूम सकते हैं, ये एक नीचे वो हो गया और ऊपर आपने एक लूज सा टॉप डाल लिया तो उसमें भी आप इसे पहन सकते हैं। नीचे बॉर्डर है इसके, जिस प्रिंट का सूट आपको मिला है उस प्रिंट का आपको जो स्कर्ट है उसके नीचे आपको बॉर्डर मिलेगा, बहुत ही ओपन स्कर्ट है, मतलब
बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही अच्छी स्कर्ट है। तो ये है वो सूट, और ये सूट भी मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था, और पूरा आप लोगों ने देखा नहीं है या देखा है वो ब्लॉग तो पता नहीं मुझे। तो ये देखिए, ये सूट है, यहाँ पे बटन है, देन फ्रंट से आपको एक कट मिलेगा एंड देन आपको कॉर्नर से भी दो कट मिलेंगे। तो एकदम अलग पैटर्न का, बहुत ही प्यारा। और प्रिंट देखिए, पता है प्रिंट बहुत अच्छा है, मतलब जो कपड़े मिले हैं वो काफी इम्प्रेसिव है। सेम इसका जो साइज है वो एक्सेल है। थोड़ा बैंगनी कलर है, बैंगन का कलर है नहीं, हाँ बैंगनी कलर, तो ये बैंगनी कलर बोलूंगी। तो इस सूट को मैंने मंगवाया था क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज देखे थे। रिव्यूज में इसमें टोटल तीन कलर है, इसमें एक ना ग्रीन कलर है, अगर आपको देखना हो ना तो ग्रीन कलर देखिएगा। दुपट्टा है, ठीक है, यहाँ पे पॉम पॉम है, तो थोड़े प्यारे लगते हैं ना, तो ये दुपट्टा है इसका। तो जो प्रिंट है ना वो आपको एक वाइट देन फेडेड वाइट देन वाइट देन फेडेड वाइट। तो कपड़ा काफी अच्छा है, डेली वेयर के लिए काफी अच्छा है, आप इसे घर में आराम से पहन के घूम सकते हैं। और बस स्टिच प्लाजो मिलेगा, विच इज नॉट एक्चुअली प्लाजो प्लाजो, बट हाँ स्टिच पैंट मिलेगी। तो ये देखिए, तो कपड़े स्टिच्ड है तो सिलवाने की टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन आप अपने साइज से, अगर आपको अपना साइज पता है तो आप मंगवाएंगे तो प्रॉपरली हो जाएगा। उसके बाद फिर सेम, ये काफी ओपन है, मुझे ओपन चाहिए था, घेरा बहुत अच्छा है इसका, नीचे सेम पॉम 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 का काम है। तो ये सूट भी पहनने के बाद अच्छा लग रहा था और मेरे लिए कंफर्टेबल, मुझे मैंने बोला मुझे कंफर्टेबल चीजें चाहिए थी, तो कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है, तो इस टाइम मुझे सिर्फ अच्छी चीजें चाहिए थी जो कंफर्टेबल हो। तो उसके हिसाब से ये सूट भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहना हुआ है। पहला सूट तो मैंने ओपन भी नहीं किया अभी तक, तो ये सूट ना मैंने देखा था और जिन लोगों ने कैरी किया था वो बहुत प्यारे लग रहे थे, अब मुझे नहीं पता मैं कैसे लगूंगी इसे पहन के। तो सेम कपड़ा बहुत अच्छा है, साइज जो है वो एक्सेल है, प्रिंट जो है वो अच्छा है, कलर डार्क है, तो थोड़ा वेट को टॉन भी होगा तो आपका इतना पता नहीं चलेगा। आपने कुछ नोटिस किया होगा कि मेरे तीन चार कपड़े जो है वो थोड़े डार्क कलर के हैं कि थोड़ा बहुत वेट हाइड हो जाए। और ये वाला जो सूट है इसमें भी नीचे प्लेन है, पिंक बॉर्डर है, इसका पिंक कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, नेवी ब्लू के साथ ये पिंक, और ये है इसकी बाजू, और ये है वो सूट, ये पीछे भी इसके आपको प्रिंट मिलेगा। नाउ इस सूट के लिए बहुत इंक्वायरी थी मेरे पास, बहुत आ रहे थे, इवन मेरे पास उससे नेक्स्ट वाली ब्लॉग में भी आ रहे थे कि आपने वो जो उस दिन पहना था सूट वो सूट की लिंक दे दीजिए। तो सूट की जो लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगी। जो सूट है ये पहने है बहुत प्यारा लग रहा था, कलर पिस्ता कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही यूनिक कलर है वो सूट। ये सूट सीरियसली पहनने पे बहुत डिसेंट लगता है, बहुत प्यारा प्रिंट है इसका। तीन बटन है, ठीक है, जिसमें से दो बटन अटैच है, ये वाला खुलेगा, सेम साइज एक्सेल एंड देन द प्रिंट, प्रिंट बहुत अच्छा है सूट का और कलर बहुत अच्छा है। उसके बाद इसकी जो प्लाजो आई है वो भी बहुत अच्छी है, प्लाजो जो है वो चेक पैटर्न में है, लाइक आपको इसमें ब्लू और गोल्डन चेक मिलेंगे, और जो कलर है वो बहुत अच्छा है, तो बहुत ही प्यारा सूट था ये। तो ये सारे सूटों की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, इनकेस अगर आपको कोई भी सूट पसंद आता है और आप जाके उस सूट को परचेज कर सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ दूध बनाने, क्योंकि दूध पीना बहुत जरूरी है, तो चलिए चलते हैं और दूध पीते हैं। ऐड आती थी आप लोगों को याद होगा, दूध 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 पियो ग्लास फुल, गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस, पियो डेली वंस और ट्वाइस, मिल जाएगा डेली सरप्राइज। तो एक ऐड आ रही थी, तो पहले बहुत एनकरेज किया जाता, आई थिंक ऐड ऐसी बननी चाहिए जो आपको एनकरेज करे कि हाँ आपको दूध पीना चाहिए। एक अंडे का भी आता था, अंडे की भी आती थी एक ऐड, अंडे की नहीं आती क्योंकि मैं अंडा खाती नहीं हूँ। दूध हो गया है गर्म, अब मैं इसे डाल लेती हूँ, बॉयल हो गया था ये, बस ना रेगुलर एक कॉमेंट आ रहा है, एक कॉमेंट आ रहा है कि मेरी फैमिली का है, एक ने मुझसे बोला था कि आप बहुत ही बुरा शब्द लिखा था, एक ने लिखा था कि क्या मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, बुरा लगा। फिर उस बंदे ने फिर मुझसे नेक्स्ट डे सेम आपकी फैमिली का है, मतलब वही चीज़ें वही चीज़ें। तो यार फैमिली ना अपनी अपनी जगह पे है, मतलब मेरे मम्मी पापा साउथ में है और मेरे जो इन-लॉज हैं वो यहाँ पे नहीं रहते, यार उनका ट्रांसफ़र है, मतलब पापा जो हैं बाहर जॉब करते हैं, मम्मी उनके साथ ही रहती है, घर जो है यही है पर मेरे इन-लॉज यहीं रहेंगे जब उनकी जॉब कम्प्लीट हो जाएगी, बट अभी वो लोग बाहर रहते हैं।
अभी वो लोग आए हुए हैं, पर अभी वो लोग चाचा के यहाँ गए हैं। पारुल आप लोग जानते हैं, पारुल के यहाँ पे मतलब अभी वहाँ पे गए हुए हैं वो लोग, तो अभी रात तक आएंगे, ठीक है। तो वो लोग ऐसा है, और हम लोग यहाँ ना बहुत बड़ी फैमिली ऐसे है नहीं कि कोई ऐसा हो कि यार कोई काम करे या वो करे, और मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई ऐसे काम भी करे कि थोड़ा बहुत भी काम है ये है। उसके लिए मैं ना हाउस हेल्पर लगा लूँगी, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब लोग आराम करें यार, मैं क्यों किसी से कोई भी काम कराऊँ, और मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं अपने काम कर सकती हूँ, ठीक है। और जब तक हो रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मैं कर रही हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रेग्नेंट हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, तो मैं अपने काम कर लेती हूँ, और खाना वाना से लेकर सब कुछ मैं खुद ही कर लेती हूँ। घर में जो हाउस हेल्पर है वो फिर से आने लगी, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो अब झाड़ू पोछा बर्तन के लिए वो आती है, वो मेरे एक्स्ट्रा काम भी करा देती है, जैसे कि पुछाई लाइक डस्टिंग वगैरह या कुछ, तो जितने काम है वही करती है, और बाकी का खाना वाना मैं बनाती हूँ। खाना वाना बनाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि आपको ऑयल चढ़ता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, कि आप खाना नहीं बना पाते हो, अलग अलग स्मेल आती है, बट कहते हैं ना जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो शायद भगवान जी भी आपको सिम्टम्स देख के देते हैं। तो खाना वाने से लेके सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ अपने, चाहे मेरा नाश्ता हो, चाहे मेरा लंच हो, चाहे डिनर हो। तो राजा का मेरा जो काम है वो मैं अपने आप, पता हम लोग का खाने की कोई समस्या नहीं है, सब कर लेते हैं। कभी तबीयत खराब है या कुछ है, कि अगर फीवरिश लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो भी हम लोग खिचड़ी वगैरह बना के खा लेते हैं। खाना ही खाना है, पेट ही भरना है, और बाकी जो आपकी दवाई है कुछ है तो वो आपको प्रॉपरली टाइम पे लेनी है। सेकेंडली एक क्वेश्चन जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। एक्चुअली में कोई एक बार करता है ठीक है, कोई दूसरी बार करता है वो ठीक है, पर मुझे लगता है कि हमें कुछ लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मुझसे बार बार ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी में पूछा जा रहा है कि मुझे अस्थमा है। तो अस्थमा जो है ना वो बहुत सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को आके यार आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में, आपको अस्थमा हो गया, आपको दमा है, आपको अस्थमा की पेशेंट हो आप, ठीक है, जाके डॉक्टर को इलाज कराओ, ये कराओ। तो मेरे को अस्थमा नहीं है, मेरे फैमिली में, मेरे चाचा के साइड में किसी को अस्थमा है, ठीक है, मैं नाम नहीं बोलूँगी, पर है अस्थमा। अस्थमा पता है बहुत ही, इवन वो जब बहुत हंस लेते हैं ना तो हंसने पे भी उनकी सांस वो हो जाती है। तो हमें अस्थमा के पेशेंट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आप बार बार आके ये सब चीज़ें वो मत करिए कि पॉइंट आउट करें। और ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, कई बार अनीमिया के कारण भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है। तो ये जो रीज़न है मेरी सांस फूलने का, तो अगर आप कुछ प्रेग्नेंट औरतों को देखेंगे, उनसे बात करेंगे, तो एक ड्यूरेशन जैसे वो रेगुलर पूरी बात नहीं कर पाती हैं, लाइक एक पैराग्राफ तो बहुत दूर की बात है, एक सेंटेंस के बाद ही आपका जो सांस है वो थोड़ा सा चढ़ने लगता है, तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो मुझे अस्थमा नहीं है, और होता तो मैं बता देती, तो अस्थमा की नहीं है, और हमें आई थिंक किसी को वो नहीं करना चाहिए, और मुझे इस चीज़ के इलाज की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कभी होगा तो मैं इलाज कराऊंगी, बट प्लीज़ किसी का भी आप मजाक मत उड़ाइए बार बार आके इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिनको होता है मैंने देखा है, ठीक है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें सीरियसली थोड़े से धुएँ से, बहुत सारी चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है। और इवन अगर वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू में बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं लगातार, हमने कोई जोक क्रैक कर दिया तो उनका सांस हो जाता है, तो बहुत वो है। तो मुझे वो नहीं है, ये एक सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी है जो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में दिख रहा होगा, और बहुत से लोग समझते हैं, आई थिंक मैं तो बोलती हूँ 99% लोग समझते हैं, और बहुत सारे नेगेटिव कॉमेंट्स जो हैं वो कहीं कहीं पर क्लैश होते रहते हैं, पर मैं उनके बारे में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती ना मैं सोचती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उन चीज़ों के बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया तो मुझे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं वो 99 जो अच्छे कमेंट्स हैं उनको नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं उस एक कमेंट को जिसको मुझे भाव भी नहीं देना चाहिए उसको करूँगी, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। तो मैं अपना नेगेटिव कमेंट्स वगैरह बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी, पर दो चीज़ें थोड़ी सी सीरियस इशू में आ रही थी, एक फैमिली पे थोड़ी सी उंगली उठ रही थी, तो वो काम मैं कर लूँगी, और मेरे को किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। मेरी मदर इन लॉ रुकने को तैयार हैं, तो उनके साथ भी पैर की प्रॉब्लम है यार, तो ऊपर नीचे वो भी चढ़े तो मेरे को भी वो नहीं रहेगा। तो अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं एक हाउस हेल्पर रख लूँ, तो आई थिंक उससे वो नहीं, वो भी आराम करें। मैं किसी के साथ ये नहीं करूँगी कि अरे यार मेरा काम नहीं कर रही, मेरे साथ ये नहीं कर रही, जहाँ कभी थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी वहाँ पर ठीक है, पर ऐसा नहीं कि यार मैं घर के काम या ये या वो कुछ करा रही हूँ यार, वो अच्छा नहीं लगता है। और बाकी रही इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम, तो वो सब हम लोग खुद हैंडल कर रहे हैं, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आपको बोल रही हूँ। सिम्टम्स हैं नॉर्मल, और स्टार्टिंग के 3 मंथ
बहुत अच्छे खासे रहते हैं, जो कि आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि उस टाइम कोई हो। बाकी जैसे आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, ये 3 महीने मेरे को पता है जो 6 मंथ तक रहते हैं वो बहुत सही रहते हैं, और बाकी के जो 3 महीने रहते हैं वो थोड़े से आपको जो एंडिंग के रहते हैं वो थोड़े से आपको वो करते हैं, क्योंकि आपका वेट पुट ऑन होता है, आप थोड़ा सा कमर में आपके कमर में दर्द और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो टाइम रहते रहते देखेंगे जैसा होना होगा। तो टाइम पे चीज़ें डिपेंडेंट हैं, किसी किसी के पास पूरी फैमिली रहती है वो उनकी किस्मत है, ठीक है। अगर आपके पास आपकी फैमिली नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कुछ आपको ज़्यादा इशू बनाना चाहिए उस चीज़ का, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत से लोग थे जो 2 लोग थे, ठीक है, और उनको बेबी हुआ, उनने बेबी का खुद किया, कोई हाउस हेल्पर नहीं, घर का काम करने के लिए कोई नहीं, कोई कुछ नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इंसान अपने आप को ढालता है, उसे मैं अपनी तरह से अपने आप को ढाल लूँगी, तो मुझे बहुत बड़ा इशू नहीं है ना काम करने में ना कुछ, बस अपना ख्याल रखना है, दवाई प्रॉपरली लेनी है, आराम प्रॉपर करना है, ये करना है। तो इसलिए कोई भी किसी भी चीज़ का मुद्दा, किसी भी चीज़ की को लेके मुद्दा किसी के लिए भी ना बनाए, क्योंकि टाइम रहते रहते आप में एक मैच्योरिटी आती है, जो मेरे साथ भी टाइम रहते रहते एक आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, तो वो आ रही है। तो चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं, इसलिए नो इश्यूज, सिर्फ अच्छे अच्छे व्लॉग अच्छी अच्छी मुस्कान के साथ देखिए और खुश रहिए। मैं कहती हूँ आप इस वीडियो को एंड, खुश रहिए और खुश रखिए सबको, अपने आसपास वाले लोगों को, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता है यार किसी के साथ या आपके साथ कभी कुछ हो जाए, तो किसी भी चीज़ को ना अपने दिमाग पर चढ़ा के मत रखिए, बस आराम से रहिए। बाय।